आपको पता है ना कि भाई शायरी तो मुझे मतलब कैफियत है वो आती रहती है। तो एक बड़ा अच्छा शेर है, बचपन में स्कूल में पढ़ा था, लेकिन फिर बाद में वो राज अफशा होता गया कि वो शेर कहा क्यों गया। क्या था शायर कहता है कि बारे दुनिया में रहो, गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो कि बहुत याद रहो। आज हम सब इस चीज़ की फिक्र करते हैं कि यार हमारी यह आसाइश पूरी हो जाए। मतलब कि मैं तो एक मुतवसत आदमी हूँ, मेरे पास छोटा मोटा मोबाइल है। अब आप जैसे अमीर लोग हैं वो इस चीज़ पे फिक्रमंद रहते हैं कि यार 14 आ गया तो 16 कब आएगा और अल्ट्रा प्रो और ये सारी चीज़ें कब आएंगी, तो FBR वाले देख लें। खैर, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन 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 चीज़ों को पूरा करने में ही लगे रहते हैं रात दिन, लेकिन फिर हमारे ही माशरे से कुछ ऐसी शख्सियात जन्म लेती हैं जो ये कहती हैं कि अभी और भी बहुत काम करने हैं इस मुल्क के लिए, इस उम्मत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, उन सारे लोगों के लिए कि जिनके पास खाने को शायद दिन में दो वक्त या कुछ के पास एक वक्त या कुछ के पास एक वक्त भी नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन लोगों की मदद करना चाहते हैं कि जो लावारिस हो जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं होता। और कहा ही गया है ना कि अगर नेकियों में गिना जाए तो अव्वल तरीन नेकी जो है उनमें शुमार होगा कि अगर आप किसी यतीम की कफालत कर लें या किसी भूखे को खाना खिला दें। तो आज हमारे साथ ऐसी ही एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं, फरजंदे सियालकोट और बानी उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन डॉक्टर खुर्रम रशीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वार्म वेलकम, बहुत खुश आमदे। क्योंकि आप फरजंदे सियालकोट हैं तो इसलिए सर जी आया नू थोड़ी बड़ी 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 इकबाल का शहर जी मेहरबानी तुसी तशरीफ लाए हो। तो ऑफ द रिकॉर्ड तो पंजाबी च गल्ला बथेरी करांगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं सर। सोनिया प्लीज टेक ऑन। सर बताइए कि जैसे अभी हमने देखा भी कुछ फुटेजेस में, लेकिन ये एक जर्नी होती है, इंसान कहीं से चीज़ शुरू करता है तो यहाँ तक आप आज पहुँचे। तो हम जानना चाहेंगे कि कब से शुरुआत हुई, ये आइडिया कहाँ से आया, या कोई वाकया ऐसा हुआ, थोड़ा सा इसके हवाले से हमें बताएं, ये कैसे फॉर्म हुई आपकी NGO? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले ये ना एक अल्लाह ताला की तौफीकात हैं कि जिसको चुन लें, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ना एक अल्लाह पाक ने एक देख सी पकाई हुई है और उसके ऊपर आपको बिठा दिया कि लो भाई इसको तकसीम करो, और ये उसकी ब्लेसिंग है कि आपको चुन लिया उसको तकसीम करने के लिए। अदरवाइज़ हमारी क्या औकात है, हम तो खुद कुछ भी नहीं है। तो ये 1993 से जो सोशल वर्क है दोहरे यतीमी से ये जब सिलसिला शुरू किया, जो एहसास थे, जो हालात थे, वाक़ात थे अब्बा जी के जाने के बाद जो है, तो फिर कुछ महसूस किया कि कुछ करना है और सिर्फ अपने लिए नहीं करना, इस माशरे के लिए करना है, अपने वतन अजीज़ के लिए करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए करना है। और फिर बस नियत और इरादा किया और अल्लाह ताला की रहमत और उसके फ़जल से जो है वो सफ़र दिन ब दिन आसान होता गया। और आज से कुछ 6 साल पहले प्रॉपर उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का जो आगाज़ किया गया, और इस वक्त ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी कामयाबी के साथ, और बस अल्लाह की मदद है कि हम तो इस काबिल नहीं है, काम कर रही हैं। सिर्फ सियालकोट के अंदर जो शेल्टर होम है उसमें कोई वी हैव अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 200%, 200 से ज़्यादा बुज़ुर्ग लागर, आँखों में कीड़े पड़े हुए, सरों में कीड़े पड़े हुए, पूरे पूरे जिस्म में कीड़े पड़े हुए, और किसी की टांग कटी हुई है, किसी के बाजू कटे हुए हैं, और सड़कों के ऊपर फेंक दिया हुआ, कब्रिस्तानों में फेंक दिया हुआ, इवन के हॉस्पिटल के बाहर जो कचरा दान है उसके अंदर से निकाल के जो है उन्होंने लेके आए। तो फिर जब तदफीन का सिलसिला शुरू किया, और लवारस भी नहीं कहूँगा क्योंकि वारस होते हैं हर बंदे का, कोई ना कोई तो होता है, जब अल्लाह पाक ने उसे तख्लीक किया है तो वो शुआओं या हवाओं की वजह से तो आया नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो नफसा नफसी का दौर है अपनों ने ठुकरा दिया, और इवन के वफात के बाद भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। जब हम तदफीन करने गए तो हमारे से पहला सवाल होता था जी कि ये बताएँ कि जी इसका मज़हब क्या है, अल्लाह इसका अकीदा क्या है, और ये किस बरादरी से, किस नस्ल से और किधर किधर से इसका रابطہ है, फिर आप तदफीन कर सकते हैं। तो बड़ा एक मुश्किल होना, बल्कि मुझे याद है कि 8 साल के चेयरमैन जो हैं फजल जलानी, उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया एक बंदा ना, तो वो जब उनकी तदफीन होगी तो कब्र हर चीज़ तैयार थी, जनाजे के बाद मैंने टीम को भेज दिया, तो वो उन्होंने पुलिस को बुला लिया कि जी हम ना तदफीन नहीं होने देंगे। मैं चला गया, मैंने कहा जी हाँ जी बताएं, दसो ताड़े की लगते हैं। मैं जी साढ़े अब्बा जी ने, अल्लाह जब मैं कहना साढ़े अब्बा जी ने, कहते झूठ बोलन डे ने जी, इन्हों के अब्बा जी ने, मैं अल्लाह के बंदे हो,
एक बुजुर्ग आदमी तो साढ़े ही वालद है ना, हमारे बुजुर्ग है ना, तो वो क्या मैं आपको बताऊँ कि मैं तो शर्मिंदा हो गया। तो उन्होंने कहा जी कि आप इधर क्यों तदफीन करते हैं। मैं जी मुझे ना ये फलाने फलाने बंदे ने परमिशन दी हुई है। मैं जी वो उनके अबाउजदाद ने इस कब्रिस्तान के लिए जगह दी थी, फलाना कोना उनका है और फलाना इधर वाला कोना हमारा है, आप उस कोने में तदफीन कर सकते हैं, इस कोने में नहीं, और ये हमारे अबाउजदाद ने दिया है, वो चले गए हुए हैं, जगह वफ करके चले गए हुए हैं। तो आप यकीन करें मैंने वहाँ से डेड बॉडी ली, रात का टाइम था, एक फर्दर दूसरे कब्रिस्तान में जाके उसकी तदफीन की और बड़ा दुख हुआ। करंट सिनेरियो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला की ज़ात मदद फरमाती है तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जगह डोनेट की, इस वक्त 2 एकड़ के करीब एक उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का एक अपना ज़ाती कब्रिस्तान है, जिधर कोई भी वो हमें ये ना बताया कि मैं किस बरदरी से हूँ, मेरा क्या अकीदा है, मेरा कारोबार है नहीं है, वो इज़्ज़त व एहतराम के साथ बिल्कुल हमारी सर्विस लेके वहाँ पे तदफीन कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये आपने बात बताई, अच्छा और इसके अलावा जो उम्मत है वो क्या क्या किन किन शहरों में और क्या क्या मजीद सर्विसेज जो है सिंध में बड़ा काम कर रहे हैं थरपारकर के अंदर, वहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से कोई 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं पानी के, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, समर पम्प्स हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी खेती बाड़ी के लिए पम्प्स हैं, ठीक है। और एक दफ़ा तो मेरी आंखों में ना खुद आंसू आ गए कि ऐसे झाड़ी हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, और जीप के ऊपर वो ऐसे ऐसे बस वाइब्रेशन वो हो रही थी, वाइब्रेशन जो है, तो उधर गए हैं तो उधर ना उसे ना सब्जियां उगाई हुई थी जी, लिखा उम्मत फाउंडेशन सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो एक ब्लेसिंग थी कि एक इस जगह के ऊपर सब्जियाँ बस सहरा को मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ आपकी बातें सुनकर, और आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, लाइक एहसास मर गया है, आज की इंसानियत मर गई है, और आप जैसे लोग अल्लाह ताला ने रखे हैं ताकि जो लोग बेचारे यतीम हैं, बेसहारा हैं, जैसे आपने कहा कि कीड़े पड़ गए, उनका कोई वाली वारिस तो होगा, लेकिन वो आज इस भाषा को ठीक है, वो जी प्रॉपर ठीक हो गए हैं, मतलब कि आपके थ्रू हुए वो सब, और उन्हें उनके पास वो स्किल्स हैं, ठीक है। आप हैरान होंगे कि आजकल ना एक हमारे पास ना एक जी मेंटली ट्रेटेड है जी साडा बाबा ना, तो बाबा जी को छोड़ गए हुए हैं, और आप यकीन करें बाबा जी से मैंने आधी इमारत बनवा लिया है, वो बेहतरीन मेसन है, मिस्त्री हैं, और मैंने उनसे पता नहीं दीवारें ये मैं चाचा जी चलो ठीक है, मैं तो बड़ा उनके हुनर देख के हैरान, और हर एक हुनरमंद वो ये कहते हैं ना कि वैसे हम बड़े क्रिटिसाइज़ करते हैं यूरोपीय माशरों को, लेकिन जो हमारी तालीमात है ना डॉक्टर साहब, वो उन्होंने उसको अडॉप्ट करके, और वो चाहे वो स्पेशली एबल्ड अफराद हों, चाहे वो ओवर एज अफराद हों, चाहे वो उनके पेट्स हों, जानवर हों, आप देख लें कि इनके साथ एक माशरे का रवैया कैसा है, तो आपको पता चल जाएगा कि माशरा कितना हेल्दी है। इस बात को मैं ये कोट करूँगा कि तालीम और तरबियत, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास तलीम है यानी कि वी हैव इंफॉर्मेशन नॉलेज, ठीक है, लेकिन तरबियत का फुकदान है, और वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, और काश कि हम वो प्लानिंग कम कर रहे हैं, और हमने डिग्रीज ले लेके जमा की हुई है, लेकिन हमें शऊर इंसानियत और तरबियत कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। दिस सो ट्रू सर, आपने इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, आपने इसमें मेंशन किया हुआ है कब्रिस्तान का भी ना, तो वो कब्रिस्तान किस तरह से मैनेज करते हैं, वो होली सोली आप लोगों का ही एरिया है, और उसमें जो यतीम डेड बॉडीज आती हैं उसमें हर बंदे को परमिशन है, उसमें अच्छा। जो भी हमें कॉल करेगा, वो हमारी फ्री एमरजेंसी सर्विसेज हैं, उनकी डेड बॉडी को उसल से लेके तदफीन तक जो है उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप। और लेकिन आज मेरी बहन जो आपकी आंखों में आंसू हैं, मैं सारी सारी रात रोता हूँ, अभी तक कोई 700-800 बंदा मैं तदफीन कर चुका हूँ, लेकिन जब जब मेरे पास न्यू बॉर्न बच्चों की डेड बॉडीज आती हैं, तो आप यकीन करें वो रात को ना वो मैं बैठ जाता हूँ उठ के ना, वो मेरे से सवाल कर रहे होते हैं कि हमारा कसूर क्या था, और ये कसरत हो गई हुई है इस चीज़ की, और बदकिस्मती ये है कि उसको फेंकने वाले ने, अगर होता ना कि किसी साफ जगह पर फेंका हो, उसको नाली के अंदर कचरे के अंदर, वो जब मैं उसकी डेड बॉडी को गुसल के लिए उसके जिस्म के साथ साफ करता हूँ ना, ये ग्लाजत जो है, तो मैं कहता हूँ शायद इसे मौत की इतनी तकलीफ ना हुई हो, जिस कदर ये एक रवैया, ठीक है कि हम मुसलमान हैं ना, एक रवैया है, अगर मेरा बच्चा हो मैं वो फेंके, एक मैंने डेड बॉडी रिसीव की तो मैं ना मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को मुझे वहाँ पर ना लेके जाएँ, कहते हैं सर क्यों मैं आप लेके जाएँ, तो उधर ना मैंने नोट किया तो एक पत्थर का ना टुकड़ा पड़ा हुआ था,
तो मैंने पकड़ लिया, कहते हैं सर एरा की करना जे यार, ये बड़ा जालम पत्थर है। जब उसने फेंका है ना तो उसके घुटने की ना स्किन उतर गई है, एक न्यू बॉर्न बच्चा जी, है जी, बेटी जी, थी जी। तो मैं कहा उससे शायद मौत की तकलीफ ना हुई, लेकिन इसकी पत्थर लगने के उसकी जो स्किन उतरी है ना, वो तो उससे तो तकलीफ को एक्सप्रेस भी नहीं किया नहीं कर सकते नहीं। और ये मैं ये इसलिए भी बावर करना चाहूँगा कि आपने खुद इस चीज़ का जिक्र किया कि जब दौरे यतीमी में आपने इस चीज़ का फैसला किया। मैं चाहूँगा कि लोगों को आप अपनी वो भी चीज़ बताइए कि किस एज में वो चीज़ हुई, और जब वो एक चीज़ हो गई ऐसे टाइम पे होना कि जब आप बच्चे हैं अभी ना, अभी लड़कपन के दौर में, तो उसके बाद फिर किस तरह अपने आप को आपने ना सिर्फ अपने आप को आपने मैनेज किया, बल्कि माशाल्लाह इतनी बड़ी आपने पूरी एक इदारा खड़ा कर दिया जो एहसास कर सके लोगों का। एक्चुअली ये उम्मत निस्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और दूसरा ये फ़र्द वाहिद नहीं है। ये सिलसिला मैंने इसको जो डेवलप किया है किया ही इसलिए कि हम रहे ना रहे ये कारवां जो है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है ना ये चलता रहे जो है। और कल जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने मैसेज करता हूँ दोस्तों को, मैं हम कम हिस्से की शमा तो जलाएं, ये तो हमारा फ़र्ज है ना कि हम जलाएं इस वतन अज़ीज़ के लिए, इस दीन के लिए, इस पाक धरती के लिए। और इसमें आपने ये भी किया कि राशन से लेके खाना, मैं चाहूंगा खाना सिर्फ हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, क्योंकि जब अब्बा जी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ तो खाना नहीं थे खाते। यही होता था कि अब्बा जी की फ़लानी दवाई ले हैं फ़लाना, अब्बा जी शायद ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, ये है तो अटेंडेंट तो वैसे ही वो बेचारा वो दौड़ भाग करके ना तो खुद बीमार हो गया होता है। मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं खाना ना जो अटेंडेंट्स हैं ना उनको डिलीवर करता हूँ, और बस एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है। वो खाना भी जब वेरी फर्स्ट डे मैं लेके गया, मैं अक्सर कोट कर चुका हूँ ये मुझे चैनल्स पर, तो मेरे अंदर ना एक था कि मैं खाना लेके आया हूँ और आज ये लंच बॉक्स मैं दूँगा। तो एक खतून ने बच्चा उठाया हुआ और मुस्कुरा के ना अपने बेटे को मुखातिब होकर कहती है, और तेन भुख लगी थी पंजाबी में, अल्लाह मियाँ ने तेरे से रोटी पेश छड़ी है। अल्लाह हू अकबर। और मैंने कहा जब अल्लाह पाक ने इसके लिए भेजी है तो मैं तो सिर्फ वसीला बनूँ लाने के लिए, अल्लाह हू अकबर, मैं कौन हूँ। तो वो फिर ऐसा अल्लाह ने करम फरमाया कि सुब्ह अल्हम्दुलिल्लाह कि कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर उस खाने में से भी सबक मिलता है जी, ठीक है। कि एक दफ़ा ना बिल्कुल हड्डियाँ थी और चावल चावल और बिल्कुल बचे हुए चावल चंद दाने कह लें, तो एक अम्मा जी बड़े धीमे लहजे में कहती पुत्र रोटी मुक गई, मैं हाँ जी ऐ फड़ा दे मेरा अल्लाह। अल्लाह की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे कैसे एक माँ, उसके चार बच्चे थे, मूंगी बैरी थी, उसने आके ना मुझे पहले ऐसे पीछे छेड़ा है, मैं कह बाजी इधर बैठ के खाएँ, उसे फिर कहा है कि मेरे छोटे, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैं वहाँ से जब मूव हुआ ना तो शोर पड़ गया जी कि ये चार बच्चे हैं माँ नहीं मिल रही। अच्छा चार बच्चे हैं माँ नहीं मिल रही। ठीक। एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चा ना, उसको मैंने गोद में उठा लिया, एक पुलिस वाला दूध ले आया, एक फीडर ले आया, इंसानियत है ना यहाँ पे, वो उसको बहलाना शुरू हो गए सब बच्चों को टॉफियाँ ये वो करते 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 पता चला कि वो खतून जो है ना वो मेरे पास आई थी कि खाना दो बच्चों के लिए अपने लिए, मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है वो बाद में ही आई, मैं कहता आप किधर थी, तो कहती मैं तो उनके यहाँ नहीं, इशारा करके ना कि मेरे बच्चों को भूख लगी है खाना दो। मैं शर्मिंदा भी बड़ा हुआ, उसे खाना भी खिलाया, लेकिन माँ है ना एक, ठीक है तो वो पता नहीं इस तरह कई माएँ होंगी बेशक। लेकिन सर अब जो मैं, क्योंकि हम सेगमेंट के अपने इख्तिताम तक आ रहे हैं और ये तो गुफ्तगू इंसानियत के हवाले से जितनी भी हो कम है, लेकिन दरिया को कूजे में अगर बंद किया जाए तो आप जैसी शख्सियात और इस मौके पे वो तमाम तर शख्सियात जो कि इस वक्त पाकिस्तान में शहर कराची हो या लाहौर हो या सियालकोट हो, जहाँ भी थर पारकर का आपने जिक्र किया, जहाँ पे जो काम इस वक्त है सरकार का वो यकीनन आप लोग कर रहे हैं। आप लोग दाद के मुस्तहिक हैं, आप हर तरह की अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं, और मैं आपका तहे दिल से दुनिया बोले की तरफ से, बोल नूच की तरफ से आपका बहुत मैं शुक्रगुजार हूं। प्लीज प्लीज करना चाहूंगी सर, आप खुश किस्मत हैं, यू आर द चोजन वन, अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है इंसानियत की खिदमत के लिए, तो आप तो बस
दर्जात आपके वैसे ही बुलंद कर दिए, वही अल्लाह ताला ने यहाँ दुनिया में भी। और आप जाते जाते एक मुख्तसर सा मैसेज जो है वो लोगों तक जरूर, अल्लाह का वास्ता है, जितनी भी गैर जरूरी रस्म और रिवाज है, चाहे फौदियों के ऊपर है, शादियों के ऊपर है, तलीम के ऊपर है, किसी भी चीज़ पे, वो अगर आप अल्लाह की कसम खा गया तो अगर सिर्फ आप वो ख़त्म कर दें ना, बहुत ज़्यादा तब्दीली। बहुत खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मौजूद थे कि जो उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के नासिब बानी हैं, अपने आप को फरजंदे सियालकोट भी कहलवाते हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि शहर के बेटे ही उठते हैं, शहर की वो बच्चियाँ ही उठती हैं और उस शहर को, उस मुल्क को दूसरे खितों से मुमताज़ करती हैं। और इंसानियत की खिदमत ऐसी चीज़ है कि जिसका सिला ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी यकीनन मिलता है। तो इसी मैसेज के साथ कि अपनी जितनी भी जो हम, अगर आप साहिबे इस्तेआत हैं तो कोशिश करें आगे बढ़ें, और अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद ऐसे लोगों की भी मदद करें कि जिनके पास शायद दिन में दो या एक वक्त का खाना नहीं होता। ऐसा ही है। और प्लीज़ एहसास मरने ना दें, इंसानियत मरने ना दें, खुदा का वास्ता अपने अंदर अपने बच्चों तक के एहसास और इंसानियत मुंतकिल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।